हाय डियर स्टूडेंट्स, सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शिवानी अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती है CSJM के द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंग्लिश लिटरेचर के का जो ये पेपर है उसके लिए मैं थोड़े से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 की परीक्षा के लिए लेकर आई हूँ। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, देखिए ये क्वेश्चन वो हैं जो किताबों में गलत पाए गए हैं, आपके सही मार्गदर्शन के लिए लाए हैं। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय द स्कॉलर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वॉज द मूवमेंट दैट वॉज स्टार्टेड ओनली बाय स्कॉलर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लरिश्ड इन विच एज। तो कॉफ़ी हाउस कल्चर जो फला फूला था वो ड्यूरिंग द एज ऑफ न्यू क्लासिकल एज फला फूला था। कॉफ़ी हाउस कल्चर बेसिकली 17th-18th सेंचुरी के दौरान फैला था और न्यू क्लासिकल एज भी 17th-18th सेंचुरी के दौरान की है, जबकि एलिजाबेथेन एज दे रखा है बुक्स में, तो एलिजाबेथेन एज जो है वो 15th-16th सेंचुरी की है। तो कॉफ़ी हाउस कल्चर वॉज बेसिकली फ्लरिश्ड ड्यूरिंग न्यू क्लासिकल एज। मेटाफिजिकल पोएट्री रिवॉल्ट अगेंस्ट द कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल पोएट्री ऑफ एलिजाबेथेन पोएट्री। यहाँ पर स्पेंसरन दे रखा है, स्पेंसरन नहीं है। ये जो मेटाफिजिकल पोएट्री है इसने जो ट्रेडिशनल पोएट्री थी उसके विरुद्ध जो है रिवॉल्ट करा, क्रांति करी। कौन सी पोएट्री के विरुद्ध? एलिजाबेथेन पोएट्री के विरुद्ध। विच फॉर्म ऑफ ड्रामा वॉज वेल एस्टेब्लिश्ड बाई द यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स के द्वारा ड्रामे की कौन सी फॉर्म डेवलप की गई थी? तो रोमांटिक ड्रामा वॉज वेल एस्टेब्लिश्ड बाई द यूनिवर्सिटी विट्स। रेस्टोरेशन एज एक्सटेंड्स बिटवीन 1662-1789 एंड 1660 इज द एज इज द ईयर वेन चार्ल्स सेकेंड वॉज रेस्टोर्ड टू द थॉर्न। तो रेस्टोरेशन एज एक्सटेंड्स बिटवीन 1662-1789। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैव फाउंड रॉन्ग इन द बुक्स, सो प्लीज काइंडली कंसीडरेट द राइट एंड लॉजिकल एंड रिलायबल आंसर। इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली हिट ए लाइक टू माई वीडियो। बाय बाय।